वजीर इत्तला पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने शहबाज शरीफ से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं ज्यादती केस पर शहबाज शरीफ को मस्बत मौकफ के जरिए कौम की नुमाइंदगी करनी चाहिए थी, उल्टा अपनी दरोग गोई, कम अकली और बेसरोपा बयानबाजी से कायदे हिज्ब इख्तिलाफ ने कौम को मायूस किया। तो यहाँ पर यह मैं समझता हूँ कि कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटिव भी अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बताया। वजीर इत्तला पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अपने बयान में कहा है कि लाहौर सियालकोट मोटरवे का झूठा क्रेडिट लेने पर शहबाज शरीफ को शर्म से डूब मरना चाहिए। लाहौर सियालकोट मोटरवे परवेज इलाही की वजारत आला के दौरान शुरू की गई। इससे पहले कायदे खराफात फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अपने दौर में क्याम का भोंडा दावा भी कर चुके हैं। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की दाग बेल भी 2007 में चौधरी परवेज इलाही ने डाली। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि शहबाज शरीफ अपने बयान की वजह से सीसीपीओ लाहौर की पोजीशन पर खड़े हैं। अपने तमस्फराना बयान से शहबाज शरीफ ने मुतासर खानदान और पूरी कौम का दिल दुखाया। मेरा मुतालबा है कि शहबाज शरीफ इस्तीफा दें और कौम से माफी मांगें। कि ये मोटिव भी अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बताया।